एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रीवर्ड्स। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट समरीन ताज और आज मैं बात करने वाली हूँ एसिड रिफ्लेक्स के बारे में। एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स ये हम सबको होता है, आपको, मुझको और हर इंडिविजुअल को एसिड रिफ्लेक्स होता है। एसिड रिफ्लेक्स या एसिडिटी के ज़्यादा कॉजेस या सिम्टम्स नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। पहले मैं कॉजेस के बारे में बता देती हूँ। कॉजेस में सबसे पहला है स्ट्रेस। आपने नोट किया होगा कि डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंशन पेशेंट को भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक बेसिक कॉज है हर बीमारियों का, इसलिए प्लीज़ कोई स्ट्रेस ना लीजिए। स्ट्रेस हर किसी को होता है हर लाइफ में, उसको मेंटेन करना आना चाहिए। थोड़े ऐसे फूड्स हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट्स बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। वो शॉर्ट में हमने स्ट्रेस रिड्यूसिंग फूड्स के बारे में बात किया है। आप चाहे तो उन फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आपने ज़्यादातर सुना होगा ये जो लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं उनको कहते हुए कि कोई स्ट्रेस के वजह से ही ये लोग ड्रिंकिंग करते हैं, और कोई लोग तो फेलियर होता है लाइफ में, कुछ फेलियर होने से ही स्मोक या ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अगेन यहाँ पे हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के, अगर आप बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप डेली स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट करके उसे कम करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट कॉज है अनहेल्दी फूड, यानी जो आप खा रहे हों वो हेल्दी नहीं हो, या आप ज़्यादातर बाहर का खाते हों या फास्ट फूड खा रहे हों, ये सब अनहेल्दी है। आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या फूड आप खा सकते हैं या क्या अवॉइड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स के ऊपर। पहला सिम्टम है हार्ट बर्न। अगर आपको एसिडिटी था और है तो आपको भी ये फील हुआ होगा कि बर्न हो रहा है, चेस्ट में जलन हो रहा है, ऐसा आपने फील किया होगा। नेक्स्ट है ड्राई कॉफ, सूखी खांसी बोल सकते हैं। ब्लॉटिंग, पेट का थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना। वॉमिटिंग होना, थोड़े लोगों को इतना एसिडिटी हो जाता है कि उनको वॉमिटिंग होने लगती है। और वेट में ज़्यादातर चेंजेस पाए जाते हैं, या तो वेट गेन हो रहा है या तो वेट लॉस हो रहा है। ये थोड़े बहुत सिम्टम है, और भी सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम था जब आपको एसिडिटी हुआ होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन से सिम्टम्स हुए थे। ये थे थोड़े कॉजेस एंड सिम्टम। इसकी कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा डिटेल में बताया जाए। अब बात करते हैं फूड्स टू इंक्लूड एंड अवॉइड, कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपको एसिडिटी है या एसिड रिफ्लेक्स है तो इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। पहला है फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, या जो फैट फूड होते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, आपके स्टमक में होते हैं और ये एसिड को रिलीज करते हैं। सो ये फूड बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है एंड ये एसिडिटी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा है डायरी प्रोडक्ट्स। फुल फैट जो डायरी प्रोडक्ट होते हैं आपको अवॉइड करना चाहिए जब आपको एसिडिटी है तो। चॉकलेट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कॉफ़ी एंड टी, अगर आप डेली पी रहे हैं, डेली पीने की आदत है आपको, तो एटलीस्ट जब आपको एसिडिटी हो उस दिन एटलीस्ट आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बताया था कॉजेस में कि स्मोकिंग से, अल्कोहल से, तो आपको स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। पीनट बटर, क्योंकि हाई फैट होता है उसमें, आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई शुगरी फूड्स, ज़्यादा मीठा अवॉइड करना चाहिए। एसिडिक फूड होते हैं उनको भी अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं फूड्स टू इंक्लूड। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा, सिर्फ लीफी नहीं, आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। बटर मिल्क बहुत अच्छा होता है, आप बटर मिल्क पीजिएगा जब आपको हाई एसिडिटी हो तो। लेंटिल्स आप ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड यानी कर्ड बटर मिल्क ये ले सकते हैं आप। आलमंड्स, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, आपको पीना चाहिए जब आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स हो तो। बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, वाटरमेलन सबसे अच्छा है एसिडिटी के लिए। फिर पपाया आप खा सकते हैं, बनाना आप खा सकते हैं, और सबसे अच्छा है जिंजर। आप जिंजर को क्रश करके आप बटर मिल्क में भी डाल सकते हैं। बटर मिल्क में लैक्टिक एसिड करके एक होता है जो हमारे बॉडी के एसिड लेवल को नॉर्मल करता है। थोड़े बहुत टिप्स बता देती हूँ।
पहला है ब्लैक रेजिन्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पहले दिन आपको ब्लैक रेजिन्स को एक नॉर्मल पानी में सोक करना है, इतना बड़ा ग्लास होगा तो उसमें आपको 1 टेबलस्पून ब्लैक रेजिन्स को सोक करना है। और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपको पहला वही खाना है विद वाटर। जो पानी आपने सोक करने के लिए डाला होगा ना, वो मेक श्योर कीजिएगा वो पीने का पानी हो। जो आप रेगुलरली पानी पीते हो ना, उसमें उसको सोक करना, सो दैट आप मॉर्निंग में रेजिन्स के साथ वो पानी भी पी सकते हैं। फिर सेकेंड टिप है, अगर आपका वेट नॉर्मल नहीं है, आपके BMI के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है, तो प्लीज़ वेट मैनेज कीजिए आपका। तीसरा टिप है, खाने के बाद तुरंत बेड पे ना जाइए, थोड़ा टाइम बैठे, लाइक 2 to 3 hours का गैप होना चाहिए खाने और सोने में। और आप नॉर्मल पानी में लेमन जूस यानी एक हाफ टेबल स्पून एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के भी पी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और अगर आप हमें पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चूज़ हेल्दी, लीव हेल्दी।